नमस्कार दोस्तों, अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 24वें दिन की कथा, अध्याय 24 में कृष्णा और वेणी आदि नदियों की कथा। राजा प्रथु बोले, हे महर्षि नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कल्हा राक्षसी निकाली थी, सो यह आप हमसे पहले कह चुके हैं। यह उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का, हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, सो आप विस्तार पूर्वक कहो। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है, अतः उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पहले चाक्षुष मन्वंतर में ब्रह्मा जी ने रमणी को सह्याद्री पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके वे देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उसके शिखर पर गए। ब्रह्म दैवत मुहूर्त में भृगु आदि मुनियों ने उसकी दीक्षा विधान के लिए एक बड़ी सभा की और उनकी सबसे बड़ी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली, तब भृगु जी विष्णु जी से बोले, हे विष्णु, स्वरा आपके बुलाने पर भी शीघ्र क्यों नहीं आई? मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा का विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि का प्रारंभ किया। भृगु जी ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने में ही यज्ञ स्थल में स्वर आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपनी के ईर्ष्या के कारण क्रोध करके बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों को पूछा भी नहीं जाता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीन वस्तुएं होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे यह गुप्त रूप वाली नदी होगी और सदा अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर मुझसे छोटी को बिठा दिया गया है, इसलिए तुम भी सब जड़ बनकर नदी होगे। तब गायत्री ने भी उसके श्राप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी स्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तूने इनको वृथा ही श्राप दिया है, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे। वे सभी बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मादिक हम सब देवों को जो श्राप दिया है, सो सब जड़ी भूत हो नदी बन जाएंगे, अतः यह तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया है, इसको वापस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन भी नहीं किया था, इस कारण मेरे क्रोध से यह विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चित है, छूटा नहीं है, इससे अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी ही बनोगे और हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, इस तरह स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव ये सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने, शिव जी वेणी और ब्रह्मा कुकुम्भिनी नदी हुए। यह सब अलग अलग बहने लगे। देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सह्याद्रिचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ गायत्री और स्वरा नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ के लिए विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, अतः वे ही दोनों महाबल और अतिबल नामक प्रसिद्ध देवता हुए।
कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा उसको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। इति श्री कार्तिक मास महात्म 24वां अध्याय संपूर्ण।